दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरवी। तो आज की वीडियो है मेरी ब्रीज़ा के ऊपर। आजकल ब्रीज़ा 2022 जो आई हुई है बहुत धूम मचाने लगी हुई है। फिलहाल ये 2020 मॉडल है, तो गज़ब की मॉडिफिकेशन हो रखी है। और मॉडिफिकेशन में बात करूं तो आजकल मॉडिफिकेशन गाड़ी में आते ही बंदे, ये जो यंगस्टर्स हैं, सीधा स्टार्ट कर देते हैं और सबसे पहले लगाते हैं हमारे अलॉय व्हील्स। तो इस गाड़ी के अंदर जो अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं 20 इंच के लगे हुए हैं और साथ में लो प्रोफाइल हमारा टायर भी लगा हुआ है। बाकी जो बीच में जो इसके ऑरेंज कलर के ब्रेक पैड्स के दे रखे हैं, बहुत गज़ब के लग रखे हैं। और पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं तो वो भी ऑरेंज कलर की भाई ने दे रखी है, गज़ब का है। बाकी मैं भाई को बुला लेता हूँ गाड़ी के अंदर। मेरे को ये सेगमेंट नहीं समझ में है, मेरे को कई गाड़ियों में ये पट्टी दिखी है, तो मैं भाई को बुलाता हूँ, उसी से पूछता हूँ कि भाई ये इसका क्या राज है। अंकित भाई, क्या हाल है? सबसे पहले हम हाथ मिलाना चाहेंगे, भैया बहुत दूर से आए हैं मेरे लिए शूट कराने के लिए। मेन मेरा है गाड़ी के सिस्टम से रिलेटेड, तो भाई ने मॉडिफिकेशन करा रखी है, तो मैं अगर चलो यार ये भी शूट कर लिया जाए। तो भाई मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, ये क्या चीज़ है? मैंने कई गाड़ियों के अंदर ये सेगमेंट देख लिया, या क्या तुम्हारे कोई क्लब वलब है या क्या है? भाई ये क्लब व्लब नहीं है, मतलब मान लो रेंज रोवर नहीं थी अपनी गाड़ी में, हाँ उसी को सब फॉलो कर रहे हैं। ओके, मैं समझा। ये जो डिजाइन है ये थोड़ा यूनिक है। ओके, आपने देखा उसको स्ट्रिप वाला है। हाँ, ये थोड़ा यूनिक है, ब्लैक पे सिल्वर मैंने कॉम्बिनेशन दिया ताकि थोड़ा सा हटके वाला हो। ओके, सब नीचे तक देते हैं, मैंने यहाँ तक दे रखा है। ठीक है, लेकिन मैं बेसिकली मैं अगर पूछूं, क्योंकि मैंने कई गाड़ियों के अंदर ये चीज़ देख ली है, मेरी दोनों गाड़ी में यही है। बाकी हम टायर की बात करें तो यार 20 इंच के ब्रीज़ा के अंदर ये आपको कुछ दिक्कत नहीं देते आगे? नहीं, दिक्कत नहीं देते, और जिसके लिए 20 इंच है उसके लिए तो दिक्कत है ही। दिक्कत है, ऊपर से लो प्रोफाइल दे रखा है, मतलब कि जंपिंग में तो आपको दिक्कत तो कहीं ना कहीं आती है। देख के चलानी पड़ती है, बहुत देख के चलानी पड़ती है, मतलब कि रफ एंड टफ यूज नहीं हो पाता। रफ एंड टफ तो मैं रिम भी नहीं चलाता, ये तो फिर भी ये भी सही बात है, मतलब कि शौक के आगे भाई कुछ नहीं देखना कि हाँ भाई गाड़ी अच्छी। वैसे वाकई में गाड़ी एक आई कैचिंग है, तो आपने शॉर्ट्स देखे होंगे जब गाड़ी रोड से जा रही थी तो बड़ी प्यारी लग रही थी। और बाकी हम टायर का साइज की बात करें तो भाई क्या साइज होने वाला है हमारा? राहुल भाई 255 35। हाँ, ये लिखा हुआ दोस्तों तो आपको दिख रहा होगा 255 35 ZR 20। हाँ, 20। बाकी फॉग लैंप वगैरह भी ये कस्टमाइज है या आपने और ये वाली लाइट ये स्टॉक आती है इसमें, इसमें एलईडी डल रही है की दो। ओके, हाई एंड लो अलग है, उसमें भी एचआईडी, मतलब तीनों में एचआईडी है, एलईडी नहीं है। ओके, ठीक है। और बाग भाई ने बीच में ये फ्लैशर भी डाल रखे हैं जो लाल और नीले कुछ जलते हैं। आजकल ट्रेंडिंग में तो मैंने डाल दी, वैसे मैं चलाता नहीं इसको। आज इसमें कोई इलीगल है वैसे तो, ये कुछ ऐसा है। बाकी बात करूँ तो भाई गुजर है हमारा तो बाकी। हाँ भाई, इस चीज़ का ये सेगमेंट नहीं समझ में आया, ये भगवान जी हैं क्या, मतलब क्या? ये राहुल भाई ये इनके आगे हमारे लिए कुछ नहीं है, ये सबसे बड़े हमारे लिए, मतलब कि आपके गुरु जी माने जाते हैं, मतलब इनको हम पूछते हैं। ओके, आपके पितृ कुछ, हाँ चलो समथिंग कुछ होगा, चलो तो सलाम है जी, इनको हम भी पूछ लेते हैं। बोलते हैं बाबा मोहन राम। बाबा मोहन राम, ठीक है। बाकी ओवरलोक पूरी गाड़ी की बात करें तो पीछे कुछ आपने कुछ चेंज करा रखा है इसका? पीछे राहुल भाई रिफ्लेक्टर लग रहे हैं और ये लग रहा है Okay. ये कंपनी से लगवाए थे उसमें, तो लेकिन भाई ने कुछ ज़्यादा कुछ खिचड़ी नहीं बना रखी गाड़ी में, तो बस अलॉय व्हील्स ही जो एक ऐसे आजकल मॉडिफिकेशन में सबसे पहले अलॉय व्हील्स ही आई कैचिंग रहते हैं दोस्तों। सीधा आओ, लगा दो, कुछ मत करो, थोड़ी बहुत ग्राफिक्स वगैरह करा दो तो गाड़ी समझो बम लगने लग जाती है। अब चलते हैं जो मेरा मेन फीचर है इस गाड़ी का, यानी कि म्यूज़िक सिस्टम। जो मेरी गाड़ी, मेरी वीडियो में अधिकतर आपको इससे रिलेटेड ही मिलेगा म्यूज़िक सिस्टम में, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार ज़रूर देखना जहाँ डबल सब वूफर आ रहे हैं कितने एम्प है इसके अंदर। कम से कम 8 स्पीकर्स लगे हुए हैं, बाइक का ये नॉलेज अच्छी है और जिसने भी प्लेसमेंट कर रखी है बहुत बढ़िया तरीके से कर रखी है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं खिचड़ी बना देते हैं एम्पों में, एक ही एम्प पे 6-6 स्पीकर वगैरह फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो पाती और बाद में रोते हैं यार एम्प फूक गया और वो चीज़ नहीं आ पा रही। तो चलते हैं, मैं दिखाता हूँ कि आपको इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। तो दोस्तों गाड़ी से इस पहले चाबी से स्टार्ट कर लेते हैं। चाबी बड़ी गजब लगा रखी है, वाइट कलर की ये चाबी है। तो गाड़ी को हम ऑन करते हैं, तो गाड़ी ऑन, गाड़ी के अंदर चलते हैं। पूरा अंदर से ब्लैक इंटीरियर करा रखा है, ब्लैक वैसे ब्लैक ही आया हुआ है, साथ में यहाँ पे मेन स्लाइड वगैरह लगा रखी हैं और हमारे ब्लैक सीट कवर्स हैं और साथ में एक शेर राजा भी पीछे बैठा हुआ है जो कि पूरे सिस्टम की रखवाली कर रहे हैं। तो अंदर चलते हैं, एक बार मूव ऑन करते हैं।
तो इसके अंदर लगा हुआ है हमारे MTX के बुलेट ट्यूटर, साथ में हाइपरसोनिक के मिड रेंज स्पीकर्स बोला जाता है इनको, एक वो लगा हुआ, साथ में कैनवुड का सेंटर स्पीकर लगा हुआ है, पाइनियर का 8490 है, और इसी गाड़ी के अंदर प्रोसेसर भी लगा हुआ है जो इसके साथ कंपेटिबल है 7650, यानी कि एक पूरी गाड़ी के अंदर एक साउंड सिस्टम जो मजा आने वाला है सुनने में। मैं प्रैक्टिकल तो ले चुका हूँ, गजब का सिस्टम है, हर चीज तरीके से लगा रखे। तो मैं पीछे चलता हूँ क्या चीज लगी हुई है। तो खुल जा सिम सिम, तो बात करेंगे डीडी ऑडियो के 400 वोल्ट RMS के दो सबवूफर लगे हुए हैं, ईच 400 400, और साथ में भाई काटता वाटता तो नहीं है, फाड़ता है, सही बात बोली भाई। तो दो ओवल इधर, यानी कि सोनी एंड रॉकफोर्ड का मैचिंग कर रखा है दोनों में, तो ये चार तो ये हो गए हमारे, और मिड रेंज लगी हुई है हमारी इसके अंदर MTX की चारों डोर्स के अंदर लगी हुई है, यानी कि टू मच लाउड, और उस लाउड को दबाने के लिए हमारे पास दो डीडी ऑडियो के 400 वोल्ट यानी 800 वोल्ट अराउंड RMS के सबवूफर्स लगे हुए हैं। अब 1000 तक चला जाता है, बाकी जो मेन है कि कैसे ड्राइव करना है ये चीज़ भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ईच स्पीकर्स को ईच चैनल दे रखा है, कई लोग क्या करते हैं दो एम्पलीफायर लगा देते हैं लेकिन उसी में सब कुछ ठूसे जा रहे, नहीं, पर स्पीकर को पर चैनल दिया जाए तो बेस्ट परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसके हम फ्रिक्वेंसी अपने हिसाब से, उसकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से हम मैच कर सकते हैं। तो एक SNB 4 चैनल जो हमारे इन सारे वोकल्स को ड्राइव कर रहा है, वर्टेक जो हमारे इसको ड्राइव कर रहा है, और साथ में छोटी सी चीज़ देख रहे हो ये हॉर्न के लिए प्रेशर ऑन, देखते हैं इसको भी बजा के देखते हैं। तो आप मेरे को पूरे सेगमेंट को आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको वायरिंग वगैरह की, फिलहाल इतने बड़े जब साउंड लगता है तो थोड़ा वायरिंग की वो खिचड़ी सी बन जाती है, लेकिन आपको प्लेसमेंट कैसे करनी है ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों चलते हैं नॉन कॉपीराइट सॉन्ग, तो सबसे पहले हम करते हैं अभी इसके अंदर हम प्रोसेसर को हटा देते हैं, इसमें 7650 लगा हुआ है, उसके अफेक्ट हम बाद में डालेंगे, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें डाल देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नॉन कॉपीराइट वाले सॉन्ग उसमें आ जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा साउंड ये सारा बजता है। तो सबसे पहले हम चला लेते हैं ह्यूमैनिटी चला लेते हैं या हॉरर क्यूटी चला लेते हैं, कुछ तड़कता भड़कता। क्लियर और बहुत बढ़िया, तू भी मेरे पीछे रुकेगा। तो वहां से टकरा के आ रही है वॉइस,
बारी है हमारे DSP जो 7650 इसके अंदर लगा हुआ है, तो आपको कंपैटिबल सेट भी चाहिए, जैसे ये है 8490 चाहिए, 8590 चाहिए, AVS 33350 भी एक आता है, तो हेडफोन्स पहन लेना, क्योंकि DSP का जो साउंड का जो मज़ा आएगा आपको हेडफोन्स पहनने के बाद ही थोड़ा अच्छा सा लगेगा, और गाड़ी में एक प्लेजेंट जो एटमॉस्फेयर बन जाता है सॉन्ग का, एक गद्दी गाना भी आपको बहुत अच्छा लगने लग जाता है। क्यों अमित भाई, तो फिर चलते हैं DSP का साउंड और उसको दूर से भी सुनाएंगे, उसके बाद में कितनी कोस्टिंग वगैरह पड़ी है, मॉडिफिकेशंस, और ख़ासकर हमारा ऑडियो लाइनअप पे, तो वो ज़रूर देखना। सिस्टम का, क्योंकि जो मेरे चैनल से बने वो सिस्टम के लिए ज़्यादा चीज़ें देखते हैं, मॉडिफिकेशन तो मैंने अभी स्टार्ट करी कि हाँ चल वो कॉम्प्लीमेंट्री में हो जाता है मेरे वीडियोस के अंदर, तो इसके अंदर जैसे मैंने बोला DD हमारे 4 ओवल, 4 मिड रेंज, 2 बुलेट ट्यूटर्स एंड 2 हाइपरसोनिक के मिड रेंज ट्यूटर्स लगे हैं, एक सेंटर और एक कैनवुड का सेंटर स्पीकर्स लगा हुआ है, पाइनियर का 8490 हमारा DSP कंपैटिबल 7650 लगा हुआ है, और 20 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, और लो प्रोफाइल हमारे टायर लगे हुए हैं। तो भाई अमित भाई, तो क्या खर्चा आ गया, कोई ऐसी गाड़ी बनाना चाहे तो कितना खर्चा आ जाता है, और कितने पेशेंस की जरूरत पड़ती है ऐसी गाड़ी बनाने में। ये राहुल भाई है तो धीरे धीरे बनता है ना ये, हाँ ये सारी चीजें तो है, धीरे धीरे बनता है। कई लोग होते हैं कि भाई एक बारी में पैसा फूकने की कोशिश करते हैं, और तो मक्खी बड़ी तंग कर रही है, तो एक बारी में तो नहीं है, तो मोटा मोटा खर्चा इसके अंदर अराउंड 2 पेटी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि लगाऊँ, क्योंकि अलॉय व्हील से 1 लाख रुपए के समथिंग आ जाते हैं, बाकी सिस्टम भी 1.5 लाख के करीब जाता ही जाता है, क्योंकि धीरे धीरे जब हम खर्चा कैलकुलेट करने स्टार्ट कर देते हैं तो इतना धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है। चीज़ें ऐसी होती है ना जो गिनी नहीं जाती, उसमें बहुत चीज़ें ऐसी जो हमने ना दिखाई ना बताई, फ्री में थोड़ी आ गई है, चीज़ तो सारी दिखा दी है क्या क्या लगा हुआ है, तो वीडियो के अंदर आपको पता लग गया होगा कि ब्रीज़ा को अगर आपने तैयार करना है तो अलॉय व्हील्स और सिस्टम तैयार करना है तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं, और सिस्टम के लिए आपको स्पीकर्स के लिए पर चैनल देना ही पड़ेगा वरना सब बेकार, और बाकी खेर पालना इतना आसान नहीं होता दोस्तों, ये अमित भाई अच्छी तरह जानते होंगे कि भाई इतना हैवी सिस्टम को अफोर्ड करना कोई हंसी खेल नहीं, क्योंकि वायर टूटना, सारी चीज़ें करना, कब क्या गड़बड़ हो जाती है वो चीज़ें रहती हैं, लगा ही रहता है इसका, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है ना हर 2-4 महीने में, लगा ही रहता कुछ ना कुछ, कभी ना चल रहा कभी ना चल रहा, लगा रहता। बाकी मोड्स भाई भी हैं अपना, मोड्स नेशन के नाम से हैं ये भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो क्या ख्याल है भाई इस गाड़ी के लिए? बहुत बढ़िया भाई, सिंपल सोबर, हाँ सिंपल सोबर है, आई ने जो अलॉय व्हील्स जो आई कैचिंग लगता है ना जो रोड पे हम चलते हुए वो चीज बहुत बेटर लगी, अपना टेस्ट भी कुछ इस टाइप का सटल, कुछ करा रखा कुछ नहीं करा रखा, ओवर भी नहीं होती गाड़ी स्टैंड अपार्ट, और लेकिन हाँ अट्रैक्टिव भी रोड प्रेजेंस है, जैसे वो मैंने उनकी प्रधान जी की वो थार करी थी, कोई खिचड़ी नहीं थी उसके अंदर, मतलब जो थार को चाहिए होता है वही चीज लगी हुई थी, लाइटें भी वहीं पे और वो भी चीज वहीं, और जो सिस्टम लगा हुआ था वो भी भाई साहब बहुत गजब का लगा हुआ था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर,
सॉरी टू भाई अंकित भाई, तो भाई का नाम अंकित था, मैं बार बार अमित अमित बोल रहा था, तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो थैंक्स का बटन है वहाँ पे जाके आप थैंक्स का कुछ भी सपोर्ट कर सकते हो। निंजा टेक्निक ऐसी मैं वीडियोज़ आपको लाता रहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। सेफ ड्राइव। और सी ए का आर एम एस 500 वोल्ट आर एम एस का गिव अवे इससे नेक्स्ट वीडियो में एक दो दिन में लाइव में मैं जाने वाला हूँ, तो रात को 8 या 9 बजे मैं लाइव जाता हूँ। और ये मक्खी भी बहुत तंग कर रही है आज, मेरे को पता नहीं क्या चटपटा लगा मेरे चेहरे पे। तो लाइव जाने वाला हूँ, तो आप 8 या 9 बजे मैं आपको बता दूंगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ जिन्होंने भी पार्टिसिपेट कर रखा है, तो वहाँ पे मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा कितने बजे लाइव जाने वाला हूँ, कैसे देने वाला हूँ, और सारा लाइव जाएगा, कोई वो पार्शलिटी नहीं होगी कि मैं इसको दे रहा हूँ उसको, कंप्यूटर अपने आप चुनेगा जिसने #RadarAudio लिखा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय।